निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सिरसागंज के क्षेत्रीय इंटर कॉलेज में पोलिंग बूथ पर जाकर सिरसागंज एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान सिरसागंज एसडीएम ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा सभी मतदाताओं से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की अपील भी की। 4 मई को नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान मतदाताओं की भारी संख्या पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करने जा रही है। इस समय अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी कड़ी में जिला फिरोजाबाद के सिरसागंज के क्षेत्रीय इंटर कॉलेज में एसडीएम विकास राजपूत मतदान केंद्र पर जाकर औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से उचित फोर्स की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहां 7 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और प्रत्येक बूथ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी मतदाता कर्मी को कोई भी परेशानी ना हो सके और प्रत्याशियों के लिए अंदर बाथरूम की भी उचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रूम से प्रत्येक जगह पर प्रशासन की पैनी नजर रखी गई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फिरोजाबाद सिरसागंज से दीपिका जादौन की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्रीय इंटर कॉलेज में इस समय 7 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन की टीमें तैयारी के साथ लगी हुई हैं। सभी प्रत्याशियों के लिए अंदर टॉयलेट्स, वाटर, हर एक चीज़ की जो मिनिमम शोर फैसिलिटी होनी चाहिए वो है, और पुलिस के माध्यम से यहाँ पे एक ड्रोन भी लगाया गया ताकि परमानेंटली नजर रखें। अगर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो लगातार मैंने भी देखा है, तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से और क्या क्या सुरक्षाएं दी गई हैं आपके पुलिस प्रशासन की तरफ से? जैसा कि आप देख रहे हो, हमें बूथ के सामने वहाँ पे 2 पुलिस गार्ड्स खड़े हुए हैं। एंट्री पे जहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जैसा कि गेट के बाहर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स लगे हुए हैं। सड़क पे भी किसी प्रकार का यातायात ना बाधित हो, उसके लिए भी हमने सुरक्षा कर रखी है। तो हर प्रकार से पुलिस और प्रशासन दोनों ही शांतिपूर्ण और सफल मतदान करने के लिए प्रयास।